गाइस शाम को बनेगा मटर पुलाव, मटर कचौरी। इसके लिए मटर को पहले पीस के लेंगे। मैं कच्चा मटर से बनाती हूँ, कच्चा मटर को पीस लेती हूँ। चलो गाइस इसमें डाल देंगे मसाला, मेरा पास मसाला है, मैं मसाला डाल दी एक चम्मच। चलो गाइस इसमें मैं डाल दी 3 लहसुन, क्योंकि ये मसाला में हरा मिर्ची, जीरा, लहसुन, अदरक है, फिर भी मैं 3 लहसुन डाल दी। आप लोग के पास मसाला नहीं रहेगा ना तो इसमें आप लोग लहसुन डालने का, अगर लहसुन वाला खाते खाना चाहते तो लहसुन डालने का, 3-4-5 कली लहसुन डालने का, जितना आप लोग को तीखा चाहिए उतना हरा मिर्ची डालने का, इतना सी अदरक डालने का और थोड़ा सी जीरा, और इसको पेस्ट करके लेने का। फिर इसको कैसा क्या करने का मैं बाद में दिखा दूँ आप लोग को, पेस्ट करके लूँ उसके बाद। ये देखिए बटाना पीस के लिए पूरा ऐसा। अभी इधर तेल बैठा दी, इसके ऊपर डालेंगे कलंजी, जिसको मगरज भी बोलता है वो, और अजवाइन। डाल देंगे पेस्ट, अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सी हींग, हल्दी और नमक, थोड़ा सी हल्दी पाउडर, अब नमक डालेंगे और हींग, देखिए थोड़ा सी हींग, स्वाद अनुसार नमक। मैं नमक कम डाली क्योंकि ये एकदम सूख जाएगा, तो नमक आपका हिसाब से डालने का, पहला कम ही डालने का, फिर लगेगा तो डालने। अरे होएगा कैसा पता चलेगा, ये जब पूरा कढ़ाई से छूट जाएगा ना एकदम सूख के, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये कढ़ाई से पूरा छूट जाएगा, तो ये पक जाता है। तो गाइस देख, एक मिनट देखिए मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये कढ़ाई से छूट गया, कलर भी चेंज हो गया और पूरा कढ़ाई से छूट के ये ऐसा पूरा मिक्स हो जा रहा है। अभी यही टाइम पे इसको उठा लेंगे। मैं इसमें बेसन नहीं डाली, पूरा प्योर है मेरा है। जरा से भी इसमें बेसन नहीं, बेसन डालेंगे तो सूखा सूखा हो जाता है और भी। ये देखिए हो गया, क्योंकि ये सब पूरा हो जा रहा है ना एक साथ में, तो ये हो गया। अभी यही टाइम पे मैं गैस बंद कर देंगे, अब ये ठंडा होए तो ही बनाएंगे शाम। और आज शाम को बनेगा मटर कचौड़ी, हरा मटर की कचौड़ी बनेगा। तो मैंने हरा मटर पीस के उसको बटर बना के पूरा एकदम उसको पूरा तैयारी करके रख दी। उसमें बहुत जन बटाटा डालता है, कांदा डालता है जब भूंजने के टाइम, बहुत मसाला उसला डालता है, लेकिन हम लोग नहीं डालते। मैं इसे ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है उसका पराठा भी कचौड़ी भी। तो आज कचौड़ी बनाएंगे, उसका पराठा कचौड़ी इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है, जैसा मैं बनाई वैसा ही। भोजन बॉयल करके उसको हाथ से मैक्स करके बनाता है, हाथ से मैक्स कर लेता है पूरा, फिर उसको मसाला में भूंज लेता है। लेकिन मैं वैसा नहीं, मैं कच्चा बटाना को पीस के फिर मसाला मिक्सर में पीस लेती हूँ, फिर उसको भूंजती हूँ मसाला में। मसाला कुछ भी नहीं, कलंजी और अजवाइन डाल, फिर उसके ऊपर वो डाल देती हूँ बटर, फिर हल्दी, नमक और थोड़ा सी हींग। हींग डालने से हजम जल्दी होता है, उसमें गैस उतना जल्दी नहीं बनती। तो यही उसको बना के रखी, शाम को वो बनेगा। तो चलिए शाम को दिखाएंगे कैसा मैं मटर कचौड़ी बना रही हूँ। अरे फर्स्ट, मतलब इस साल का ठंडी में फर्स्ट बन, पहली बार बन रहा है,
लेकिन हर साल ही मैं बनाती मटर कचौड़ी वे वो सब। अभी गाजर भी उठेगा ना, थोड़ा उठ गया हलवा का गाजर, बनाएंगे एक दिन हलवा भी, गाजर के हलवा भी बनाएंगे। तो यही है, तो चले तो चलेगा इधर आटा मैदा दोनों मिला के लिए, ये आटा ये दोनों, इसमें थोड़ा सी नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालेंगे। डब्बा भरा डालेंगे, दो चम्मच तेल मुलायम देने का। ये हो गया, अभी अच्छा तेल में इसका ढक्कन लगा दूँ। बाबा भरा हुआ है तेल, आटा लग गया चंदे के बाद में ये करेंगे। इसको अच्छे से आटे को तेल को इसका साथ मिक्स करके लेंगे अच्छे से। तो चलिए मिक्स, और कुछ नहीं डालेंगे, खाली पानी डाल के आटा जैसा घूनते हैं वैसा घून के लो पहले में। अभी इसके हम मिक्स करें अच्छे से, मिक्स करें जरूर, ये हो जाए तो फिर दिखाते हैं। बाय बाय। हमारा टिका ये बनके हो गया। ये बटना का पूरे बैटर है जो बना के रखी थी सुबह दोपहर को, वो है इसको थोड़ा मिक्स करके ले रही हूँ, क्योंकि ये बना के रखी तो थोड़ा ये कड़क कड़क हो गए। तो अभी ऐसा ऐसा भी ये लेंगे एक 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 रोटी का ये, भर के डालेंगे तो हमारा कचौड़ी भी भर के बनेगा। ऐसा करके मैं एक दो बना के लूँ, क्योंकि फिर फटाफट बेलेंगे और वो सेकता रहेगा। तेल बैठा दिया, तेल रेडी है। मैं बता दे रही हूँ कैसा है, इधर एकदम पूड़ी का जैसा होएगा, जैसा हम लोग सादा पूड़ी बनाते नहीं क्या वैसा, लेकिन उसमें अंदर बटना का बैटर डाला हुआ रहेगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसका साथ चना मसाला हुआ उसका साथ में भी टेस्टी लगता है। सादा आलू की भाजी या मसाला वाला आलू की भाजी, चिकन उकन। तो चलो मैं बना लूँ। बस हो गया, हो गए बेल के। मैं आटा जास्ती डाल दी, थोड़ा आटा छान या फर्स्ट कर। हाँ उलट पलट कर धीरे धीरे हो गया, हो गया है। कैमरे के सामने शर्मा गया है, अब दूसरे वाले को देखेंगे कि कैमरे के सामने कब तक है। चल उसको डाल के देखते क्या होता है। ये मंचूरी बन गई है, ये ना इसको उठाओ ये फूल जा रहा है, ऐसा सीन हो जाना।
एक ही बोली पूरा पता है, क्योंकि जाड़ा है और थोड़ा सा ना मतलब जाड़ा होने के चलते इसमें ये गया उसके लिए ना, उसके लिए अभी ये दूसरा बैच बन रहा है। चार बैच है और ये पहले बैच में 8 लोग थे, अब दूसरे बैच में 7 लोग हैं। 7-8 लोग क्या होता है? हाँ इसमें 7 लोग हैं सेकेंड बैच में और पहले बैच में 8 लोग हैं। और यहाँ हमारा तेल अभी फिलहाल के लिए थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा और डालेंगे जस्ट उसको थोड़ा रिलैक्स मोड में डाल देते, क्योंकि वो बेचारा अभी पागला गया है। तो उसे हमारा पुलिस रेडी। ये ना सबसे ऊपर सबसे नीचे के आखिरी का है, तो कुछ काला काला दिखेगा ये आपको। ये फाड़ के निकाल, सब लोग एक साथ हो गए क्योंकि फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के लोग कम कम थे। इधर लेके मैं फाड़ के देता हूं। ये वाला अभी गरम गरम पूरी फाड़ेगी। आप लोग को देखा रहे फाड़ के एकदम अंदर तक वो कैसा बना देखे, दिखने में यही दिख रहा है खाली है, बहुत तेमी लगता है एकदम बन गया। दो दो दो। तो क्या पटोरे गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है रात के 8:36। तो चलिए क्या बना रहे बताई, पूरी कचौरी जो बोलते हैं। अरे क्यों निकाल रहा है, काय के लिए निकाल रहा है? आगे कर निकाल ना, रहने दे बटाना का कचौरी। हाँ आगे कर खा के। अबे यार बोलो ना राइट टाइम रहने देने के लिए, अभी किचन का टाइमिंग भी 5 मिनट आ गए। और कर रहा है तुमने तो रख दे उसे, बहुत टेस्टी बना, ऐसा ही टेस्टी लग रहा भाजी का सब, ताड़ भी टेस्टी लग रहा। तो चलिए देखा अरे कहाँ रे जमीन ना, अब चने के साथ खाएंगे। चना मसाला का सा ताड़ भी टेस्टी लगेगा, खा इसमें से खाना थोड़ा सी तोड़ के, खा के देख कैसा बना। तू खा पहला थोड़ा सी, अरे वो देख कैसा बना। तू ही बोल रहा था ना कचौरी कचौरी, थोड़ा हाल फूक मार के खा। तू ही बोल रहा था कचौरी चाहिए कचौरी, पराठा मत बनाओ। एमी एमी लग रहा है ना, चने का साथ बहुत टेस्टी लगेगा। वो खा ले ये रख दे जा, उठा ले वो तेरे को दू। हाँ ऐसा ही क्या चना तुम के साथ खा रहे हो तेरे को। तो चले गए हम लोग का हो गया खा के, खाना नहीं खाया अभी तक, खाना नहीं खाया अभी तक। वो नाश्ता है शाम को नाश्ते में बोली बनाओ, बहुत दिन हो गया बनाई नहीं तो बनाई। लड़का बोल रहा था मैं पराठा नहीं खाएंगे कचौड़ी, मैंने बोली ठीक है कचौड़ी बनाएंगे, तो कचौड़ी बनाई थी। तो हम लोग 3 जन खाए, 2-2 और है रखा हुआ है जो रात को खाएंगे, और रात को बाकी का खा के ख़त्म कर देंगे। आज दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी बना था, पुलाव भी, पुलाव तो है खाली हम लोग दोनों जन खाए, लड़की नहीं खाया पुलाव है। और ये भी टेस्टी बना था कचौड़ी, तो हस्बैंड थोड़ा सी खाया था ज़्यादा नहीं, वो खाने वाला था लेकिन उनका फेवरेट कांदा पोहा था बोल के, इसके लिए उन्होंने आज नहीं खाया, कांदा पोहा खाया, उनको बहुत फेवरेट है कांदा पोहा, तो पोहा ही खाया गर्म करके दी। तो पोहा से उन्होंने नाश्ता कर लिया, हम लोग कचौड़ी और मैं थोड़ा सी चना मसाला ली थी, मेरे को कचौड़ी ऐसे ही अच्छा लगता है कड़का, चना मसाला वसला का जरूरत नहीं रहता। लड़का लड़की उन लोग खाया, उन लोग खुश तो मैं भी खुश, उन लोग बोला नहीं बहुत टेस्टी बना, मेरा लड़का बोला नहीं मम्मी बहुत टेस्टी बना,
इन लोग खुश बोले तो मेरा भी सुकून मिलता है, दिल को चैन मिलता है, यानी बच्चे लोग खा के बोला अच्छा बना, तो एक सब ये होता है, मैं भी बहुत खुश हूँ जै नहीं अच्छा ही बना जो उन लोग खा के तो ये हो गए। अरे रात को ये करेंगे तो चलो वीडियो भी ख़त्म कर दो। अरे इन लोग नाश्ता पानी करके लड़की बेडरूम में कुछ कर रही है शायद, और लड़का और हस्बैंड गए अंडा लाने, अंडा ख़त्म हो गए, अंडा लाने के लिए गया उन लोग दोनों जगह। तो ये हाल में बैठे बैठे थोड़ा लूडो खेल रही थी, मैं खेलती हूँ लूडो कभी, कैंडी मेल्स ये सब खेलते रहती हूँ मैं मेरे को टाइम देती हूँ बहुत जास्ती, तो ये तो सब खेल रही थी। जैसा मैं बच्चे लोग को टाइम देती हूँ, हस्बैंड को भी टाइम देती हूँ, वैसा मैं मेरे को भी टाइम देती हूँ। तो ये तो चले कल फिर मिल दो आप लोग के साथ, और कैसा बना हम लोग का कचौड़ी बताने का, आप लोग भी ऐसा बना के खा के देखने का। हाँ मैं आटे से बेल रही थी बोल के, इसके लिए तेल में आटा आटा हो गया, और आप लोग को तेल से बेलने आता है तो अच्छा रहता, वो अच्छा सबसे अच्छा रहता, मेरे को तेल से बेलने नहीं आती है इसके लिए मैं आटे से बेलती हूँ। तो चलिए कल मिल रहा, आप लोग भी थोड़ा बना के खा के बोलने का कैसा बनता है देखिए। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतने, बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शिवरात्रि सिद्धि और हैप्पी नाइस डे। तो चलिए कल मिल रही, दुआ में याद रखना, और हम लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसे नहीं लगते। और आप लोग कमेंट करते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ, और आप लोग का कमेंट भी पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। तो चलिए कल मिल रही, बाय, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना, चलिए गुड नाइट।